भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह का आज सुबह जयपुर के ESCC हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन से भाजपा ही नहीं बल्कि राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री राजे सहित मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता और प्रमुख लोग उनके निधन का समाचार सुनकर अस्पताल पहुंचे। दिगंबर की पार्थिव देह को भरतपुर ले जाया गया है, जहां सेवर के नर्सिंग कॉलेज ग्राउंड में उनको कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए सीधा रुख करते हैं भरतपुर से हमारे संवाददाता दिनेश डांगी का। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे ताजा स्थिति अभी की वहां कर क्या कुछ है। जी देखिए, डॉक्टर दिगंबर सिंह की जो पार्थिव देह है वो यहां पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में साफ, थोड़ी देर पहले डॉक्टर दिगंबर साहब की जो पार्थिव देह है वो यहाँ सेवर जो उनकी नर्सिंग कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पहुँच चुकी है। वहाँ पर जो उनके समर्थक है, पार्टी के नेता है, कांग्रेस के या जो समाज सेवी है, वो उनको पुष्प चक्र यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है ओम प्रकाश माथुर, राज्यसभा सांसद है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो उन्होंने अभी जो है पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके अलावा मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य अरुण चतुर्वेदी, यूनिस खान, कालीचरण सराफ और पार्टी के भाजपा विधायक है जो फूलचंद भिंडा है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, AICC के मीडिया प्रवक्ता संदीप चौधरी भी यहाँ पहुंचे हैं। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अंतिम दर्शन यहाँ पर उनके समर्थक और पार्टी के नेता कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रीति रिवाज के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह जो है पंच तत्व में विलीन की जाएगी और उससे पहले जो है जो लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए वंचित रह गए थे वो यहाँ पर उनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। लगातार एक वाहन के जरिए जो है उनकी पार्थिव देह यहाँ सेवर लाई गई, सलामी गार्ड उनको दी जाएगी। इसके लिए जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर आ चुके हैं। राजकीय सम्मान से जो है अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो फिलहाल लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्प जो है उनको अर्पित कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से जो है वो संवेदना यहाँ पर जता रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, उनके सरल व्यक्तित्व को सभी ने पसंद किया, चाहे विपक्ष ही क्यों ना हो। ऐसी क्या कुछ खासियत उनके व्यक्तित्व की कि सभी ने उन्हें इतना पसंद किया? बिल्कुल, नेम सिंह फौजदार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो उनको जानते हैं। नेम सिंह फौजदार जी, डॉक्टर दिगंबर सिंह के व्यक्तित्व की बात की जाए, किस तरह के इंसान थे? डॉक्टर दिगंबर सिंह अपने आप में अलग छवि रखते थे। उनका स्वभाव मिलनसार था, हर आदमी की एक सीधी पकड़ थी। उनके बीच में कोई एक मध्यस्थता की जो कड़ी राजनीति में होती है वो नहीं थी। हर आदमी उनसे सीधे अप्रोचेबल थे और जो भी काम किए जिले में, 4-6 काम तो ऐसे हैं जो एक अस्मरणीय काम है, चाहे वो संभाग बनवाने की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, उन्होंने जो भी काम किए वो अस्मरणीय है। भरतपुर को संभाग बनवाया तो डॉक्टर, धौलपुर के जाट आरक्षण में आप कितना उनका योगदान मानते हैं? भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण के बारे में आयोग जो गठन कराया था वो डॉक्टर दिगंबर सिंह जी की मेहरबानी थी। और सरकार में अंदरूनी जो भी सरकार के खिलाफ, तो वो बोल नहीं सकते, पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोगों ने जमीन पर लड़ाई लड़ी और ऊपर जो सरकार में अंदरूनी पहल होती है उसमें काफी अच्छा योगदान करा। किसान वर्ग के लिए किस तरह उन्होंने काम किया? मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है कि वो हर व्यक्ति से, हर जाति से मिलजुल के काम करने वाले आदमी थे। उनकी कमी भरतपुर जिले को ही नहीं, राजस्थान की जनता को खलेगी। एक बहुत बड़े कद्दा और लीडर जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, इसकी कमी काफी लंबे समय तक हर आदमी को अर्सी।
बिल्कुल काफी कमी खिलेगी, खासतौर से भरतपुर को। जिस तरह फौजदार जी बता रहे थे, कई भरतपुर को संभाग बनाने में काफी योगदान था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने में काफी योगदान था, और चिकित्सा जगत में भी काफी अहम और अतुलनीय योगदान भरतपुर की जनता थी। तो आज अपने चहेते लाडले जो लोकप्रिय जो नेता रहे, उनको यहाँ पर अंतिम संस्कार देने की तैयारी जो है की जा रही है। और कुछ चक्कर जो अंतिम विदाई है देने से पहले, वो उनकी तैयारी की जा रही है, और सलामी परेड राजकीय सम्मान से जिस तरह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस के ये जवान आप देख सकते हैं जो अंतिम सलामी जो है वो उनको देंगे। एक झलक पाने के लिए जो उनके समर्थक है काफी बेताब है, वो जो आगे लोग खड़े हैं उनको बैठने की अपील कर रहे हैं, उनके समर्थक काफी बेताब है उनकी एक झलक देखने के लिए। तो लगातार निवेदन और अपील कर रहे हैं आगे जो लोग खड़े हैं, जो पार्थिव देह रखी गई है चिता पर, उनके एक दर्शन एक झलक के लिए आप देख सकते हैं कि समर्थकों में किस तरह जो है आगे एक पंडाल बना गया है, जो तमाम जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, मिनिस्टर है और सांसद है, वो वहां पर जो है बैठे हुए हैं। और अब देख सकते हो सलामी परेड जो राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सलामी परेड पुलिसकर्मी यहां पर देते हुए आप देख सकते हैं, पुलिस के जवान यहां पर सलामी परेड देते हुए, तमाम देख सकते हो स्मार्टफोन में सभी अपने नेता जो थे लोकप्रिय, एक पहचान थी भरतपुर में, उनको अपने मोबाइल में उन अंतिम पलों को कैद करते हुए जो अंतिम संस्कार से पहले की प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। सलामी परेड दी जा रही है पुलिस के जवानों के द्वारा, तो बहुत ही दुखद भरतपुर पूरे राजस्थान और भाजपा पार्टी और समाज के लोगों के लिए कि एक लोकप्रिय कदाव नेता आज उनसे रुखसत हो गए, अलविदा ले गए। पूरी यहाँ पर तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे यहाँ पर भरतपुर से, जहाँ पर दिगंबर जी का पार्थिव देह। और दिनेश हम और बताइए वहाँ पर क्या कुछ इस समय चल रहा है। सब यहाँ पर आए हुए हैं, राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिनेश Gracias.
जी दिनेश, अब तक वहां पर कौन कौन से ऐसे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी संभावना है कि वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, और हां, विपक्ष की तरफ से कौन से नेता यहां पर मौजूद हैं? दिनेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है दिनेश हमें नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं भरतपुर से, जहां पर दिगंबर जी के पार्थिव देह को का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, सलामी परेड यहां पर की गई। सीधी तस्वीरें, दिगंबर जी को यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सलामी परेड यहाँ पर की गई, और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपने व्यक्तित्व के चलते सभी के लाडले दिगंबर सिंह जी, आज यहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, सीएम राजे यहाँ पर मौजूद हैं। इस दुखद घड़ी को सीएम राजे ने अपूर्णीय क्षति यहाँ पर करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह का आज सुबह जयपुर के ईएससीसी हॉस्पिटल में निधन हो गया। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके पार्थिव देह को भरतपुर लाया गया है, राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं, विपक्ष पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। सभी लोग दिगंबर जी के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करते यहां पर नजर आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, पुष्प अर्पित किए गए। उनके पार्थिव देह पर सभी ने उनके पार्थिव देह को नमन किया, उनके अंतिम दर्शन किए और पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें, यहां पर दिगंबर जी का अंतिम संस्कार की चल रहा है, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बड़ी दुखद घटना यहाँ पर हुई है। यहाँ पर वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह का आज सुबह जयपुर के ईएचसीसी हॉस्पिटल में निधन हो गया। अपने सरल व्यक्तित्व के लिए सभी के पसंदीदा दिगंबर सिंह जी आज इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, और अपूर्णीय क्षति यहाँ पर राजनीतिक दुनिया में और राज्य में। दिगंबर सिंह के निधन से पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। सभी नेताओं ने दिगंबर सिंह के निधन पर गहरा दुख यहाँ पर जताया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं।
बेहद दुखद समय सभी के लिए। सीएम राजे यहां पर मौजूद हैं, अनेक वरिष्ठ नेतागण यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें दिगंबर जी बेहद लोकप्रिय जनप्रतिनिधि यहां पर रहे हैं। आम और खास दोनों में हमेशा इनका वर्चस्व रहा है। बेहद साधारण जीवन जीने वाली, बेहद साधारण व्यक्तित्व के ये इंसान रहे हैं। सभी के लोकप्रिय ये रहे हैं, सभी से हमेशा इन्हें प्यार मिला है। गरीबों से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, तो आपको बता दें डॉक्टर दिगंबर सिंह उम्दा चिकित्सक के साथ ही एक जिंदादिल शख्सियत रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं वीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह का निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से ये बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें छोटी दिवाली के दिन यानी कि 18 अक्टूबर को EHCC हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उनका जयपुर के इंटरनल हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने आज सुबह EHCC हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। दिगंबर सिंह के निधन की खबर के बाद भाजपा में शोक की लहर छाई हुई है। वहीं मुख्यमंत्री राजे और संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ समेत कई भाजपा नेता जवाहर सर्किल स्थित हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। यहाँ पर डॉक्टर दिगंबर सिंह को जो है अब अंतिम संस्कार की जो अंतिम चरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। चिता पर उनको जो है उनकी पार्थिव देह को चिता पर रख दिया गया है और अब जो लकड़ियां और थेपड़ी जो चिता का हिस्सा होती है उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। डॉक्टर दिगंबर सिंह के जो पुत्र है शैलेंद्र सिंह वो यहाँ पर जो है जो रीति रिवाज है वो उसको निभा रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह जो विधायक है उनसे चुनाव जीते थे वो यहाँ पर मौजूद है। भाजपा के तमाम आला नेता मंत्री वो यहाँ पर मौजूद है। तो चिता पर पार्थिव देह को रख दिया गया। आप देख सकते हैं कि एक झलक देखने के लिए उनके समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, बारी बारी से जो है दर्शन वो उनके समर्थकों को करा रही है। अंतिम सलामी जो है पुलिस कर्मियों के जरिए उनको दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राजकीय सम्मान से जो अंतिम संस्कार है वो किया गया और अब उनकी चिता को जो अग्नि दी जाती है उससे पहले जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जो यजमान है विद्वत जन है जो पंडित जी यहाँ पर पधारे हैं वो उस प्रक्रिया को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। मोबाइल फोन में उनकी अपने चहेते को अपने लोकप्रिय नेता को स्मार्टफोन में कैद कर रहे हैं। काफ़ी उनके जो समर्थक हैं उनमें आज उदासी छाई हुई है, काफ़ी निराशा से उनके इस तरह उनके जिस नेता को विदा उनको करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं पुलिस ने घेरा बना के यहाँ लोगों को जो है रोकने की कोशिश यहाँ पर की है। जिस तरह मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है तो आप देख सकते हैं कि
जो चीता है वहाँ जो है पार्थिव देह को उनकी वहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं उनके जो बेटे शैलेंद्र वो चीता के जो है फेरी यहाँ पर लगा रहे हैं। काफी गमगीन यहाँ का माहौल, फूल गुलदस्तों और पुष्प चक्र के जरिए जो है अंतिम अपने चहेता नेता और लोकप्रिय जो है विदाई यहाँ पर दे रहे हैं। उनके जो बेटे हैं वो जो उनको है विदाई दे रहे हैं यहाँ, और पार्थिव देह को जो है अंतिम जो धार्मिक रीति रिवाज है वो दिया जा रहा है, और उनकी चिता को जो है अग्नि यहाँ पर अब उनके जो पुत्र है उनके जरिए दी जा चुकी है। और सभी गांव के उनके समर्थकों में और उनकी पार्थिव देह है उसको अब अग्नि के समर्पित यहाँ पर किया जा रहा है, और उनके जो समर्थक हैं, पार्टी के जो वर्कर्स हैं, परिजन हैं, काफी घर पार्टी के भी हैं, जो समाज के हैं, काफी विपक्ष से उनके बेटे उनके आंखों में जो आंसू आए अपने पिता को यहाँ पर दे रहे हैं, और बहुत ही जो है पिता को अब अग्नि दे रही है, और घी नारियल सामग्री अर्पित की जाती है वो यहाँ पर अर्पित की जा रही है। अंतिम झलक के लिए उनकी डॉक्टर दिगंबर सिंह की समर्थक पक्ष विपक्ष के तमाम नेता यहां पर जो है जुटे, और जिस तरह एक समाज भरतपुर और पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से शिद्दत से डॉक्टर दिगंबर सिंह ने जो काम किए, जिस तरह उनके उन पर पुस्तक लिखी गई, और किस तरह बताया जा रहा है कि भरतपुर में जब एक बार मलेरिया का प्रकोप हुआ था तो डॉक्टर साहब खुद अपने स्तर पर जो है मलेरिया की बीमारी के नियंत्रण के लिए निकल पड़े थे, और जिस तरह अंतिम निशानी भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलाने में उनका रहा, दो दफ़ा वो विधायक चुने गए और शानदार काम जो है भरतपुर के लिए उन्होंने किया, भरतपुर को संभाग बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज की यहाँ पर स्थापना कराई, और अनेकों काम जैसा लोग बता रहे हैं उन्होंने किया, वो एक यादगार काम उनका रहा। अब आ रहे तो अग्नि के समर्पित किया गया, उनके जो बेटे हैं उन्होंने जो है चिता को उनकी पार्थिव देह को अग्नि दी। इससे पहले जो है पुलिस कर्मियों के जरिए अंतिम सलामी परेड यहां पर दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर जो है पुलिस के जवानों के जरिए उन्हें दिया गया, और उनके अंतिम विदाई के पलों को उनके समर्थक उनके चहेते
उनके परिजन स्मार्टफोन में कैद करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ उनकी पार्थिव देह को अग्नि के समक्ष समर्पित किया गया। आप देख सकते हैं भारी तादाद में समर्थक, पक्ष विपक्ष के नेता, विभिन्न वर्गों के लोग, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर जुटे हुए हैं। और जो नर्सिंग कॉलेज है सेवर में डॉक्टर दिगंबर सिंह की, उनके समक्ष जो है एक बगल में एक उनको जो है उनकी पार्थिव देह को अग्नि के समर्पित किया गया। तमाम पार्टी के नेता, विभिन्न वर्गों के यहाँ लोग, प्रशासनिक अधिकारी भी भारी तादाद में जयपुर से आए हुए हैं। और कॉलेज की छत पर भी भारी तादाद में उनके समर्थक, परिजन, शिक्षण संस्थान के जो स्टाफ है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नम आंखों से अपने लोकप्रिय नेता और चहेते नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। जैसे ही उनकी चिता को अग्नि दी गई, सभी की आंखें जो है नम हो गई, आंसू छलक उठे, क्योंकि उनका कहना है कि जो क्षति, जो हानि उनके इस दुनिया से अलविदा होने पर हुई है, उसकी भरपाई कई सालों तक नहीं होने की बात उनके समर्थक यहाँ पर कर रहे हैं। भरतपुर के एक काफ़ी लोकप्रिय नेता, भरतपुर को संभाग बनाने में, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने में, भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलाने में और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई काम कराने में उनका अविस्मरणीय, अतुलनीय योगदान यहाँ पर रहा। दो बार वो विधायक रहे, अंतिम चुनाव उन्होंने झुंझुनू में सूरजगढ़ उपचुनाव से लड़ा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद क्लोज थे, काफ़ी उनके खास थे, इसी वजह से दो बार हारने के बावजूद मुख्यमंत्री ने उन्हें विशोका का उपाध्यक्ष बनाया। पिछले ढाई साल से पेनक्रिया जैसे गंभीर कैंसर से पीड़ित थे, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में उनका इलाज कराया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद आखिर आज सुबह जयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। और उनके निधन के बाद पूरे राजस्थान में, पार्टी में, समाज में, किसान वर्ग में शोक की लहर छा गई। काफ़ी दोस्ताना व्यवहार दिगंबर सिंह का था, दोस्ती के लिए जाने जाते थे। एक राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर रोहिता शर्मा उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों ने बताया कि आज ऐसे लगा जैसे कोई उनके परिवार का सदस्य गुजर गया है। आसपास भरतपुर धौलपुर के लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब के पास किसी भी काम को लेकर हम जाते थे तो कभी वो मना नहीं करते थे। दिगंबर सिंह के पास जो भी जाते थे बेहद आत्मीयता से उनसे मिलते थे और आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, इस तरह आत्मीयता से वो हर किसी की हर संभव मदद करते थे। तो आज कह सकते हैं कि भरतपुर संभाग का एक कद्दावर नेता उन्होंने खो दिया है। भाजपा की जो है जड़े जमाने में डॉक्टर दिगंबर सिंह का यहाँ पर बहुत योगदान था। 12वीं और 13वीं विधानसभा के वो सदस्य रहे और राजनीति में आने से पहले एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्होंने क्षेत्र में काम किया। 1 अक्टूबर 1951 में बरखेड़ा फौजदार में उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद जोधपुर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS की डिग्री ली और जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो स्वास्थ्य जगत में, हेल्थ सेक्टर में कई अहम और जनोपयोगी योजना उनके जरिए लागू की गई। और उसके बाद जब उद्योग मंत्री बने
तब भी राजस्थान की उद्योग जगत के लिए, उद्योगों के, कल कारखानों के विकास के लिए किया। तो अब जो पंडित है यहाँ पर, वो मंत्रोच्चारण के साथ अंतिम संस्कार की अंतिम प्रक्रिया जो रीति रिवाज की होती है उसको यहाँ पर निभाए जा रहे हैं। उनके डॉक्टर साहब के बेटे दिगंबर सिंह यहाँ पर मौजूद है, विश्वेंद्र सिंह विधायक यहाँ पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, परिवहन मंत्री यूनिस खान, स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील, कई प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद, कई डॉक्टर्स, क्योंकि दिगंबर सिंह राजनीति में आने से पहले एक अच्छे डॉक्टर थे, एक अच्छे चिकित्सक थे, लिहाजा चिकित्सा जगत से जुड़े कई लोग यहाँ पर मौजूद। अंतिम संस्कार से पहले अपने अपने तरीके से लोगों ने अपने लोकप्रिय और चहेते नेता को श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की, फूलों के जरिए, गुलदस्तों के जरिए, पुष्प चक्र के जरिए श्रद्धांजलि दी, गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। जिस तरह कैबिनेट ने आज फैसला लिया कि भरतपुर में राजकीय शोक घोषित किया जाएगा, तो राजकीय सम्मान के साथ उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। सेवर स्थित उनकी जो शिक्षण संस्थान है उसके बगल में एक खाली प्लाट में उनकी पार्थिव देह को जो है अग्नि के समक्ष अर्पित किया गया। और मंत्रोच्चारण के जरिए आप देख सकते हैं सीता से उठती जो आग की लपटें हैं, बहुत ही नम आंखों से अपने नेता को विदा करते हुए